और के मौसम हो रहे खराब, रोजान मौसम हुए बढ़िया, दारू पीना रसो जावा जल्दी सी है। कोनी क्लास चाले अब चालेगी मना, इच्छा पूर्ण जीवन दे सर से राम 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 भाया। बैठ जा भाई बैठ जा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। करा शुरू की, चलो याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अच्छी बात है। सीईटी को सिलेबस भी आ गए और पूरे साल में 3000 भर्तियां हैं टोटल जोड़िया, इतनी तो है सीटी भर्तियां जोड़ो बात है। बाकी मैं यूट्यूब रिशो माहौल बनाऊंगा, बाकी मन नहीं अलग है लखनऊ के कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग जल्दी ही फैल होने वाला है इन लक्षणों के आधार पे। अब की बार देखो सेकंड एड फर्स्ट ग्रेड के बच्चे ही नहीं गए कोचिंगों में, कहीं नहीं गए। थर्ड ग्रेड का नेग बराबर बच्चा है, बाकी भर्तियां किता का था नहीं बेरो। तो देखो मन लागे जल्दी बारो होना रो कोचिंग आओ तो आप जीत में आप पहली फ्री कर ली आपनी तो चलेगी गठी आइयो चाहे ना आइयो, क्योंकि आप तो की लिया ही कोनी टाबरिया देखो चलो बेगड़ी लिया और के 1100 रुपया मोर ने, तो इतनी तो बात है आ सोची आ जाए। तो एक नया राजवंश पढ़ते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट राजवंश है जिसका नाम है मौर्य वंश। राजवंश का वे बे इजी वे थोड़ा सा, हाँ बा बात अलग है थे कदी पढ़ियो को नहीं थार थोड़ी बहुत समस्या आस गए नहीं बहुत सोरा वे। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य वो नाम तो सारा ही जाने, अब सारा ही जाने। चंद्रगुप्त को बेटो बिंदुसार और बिंदुसार को बेटो अशोक, आलियो मौर्य राजवंश कंप्लीट। अब बताओ आगे कौन सो कराऊं, आगे थार कौन सो लागे हैं। तीन नाम है फिर के मौर्य वंश याद को नहीं वे, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे बाप का अच्छा बेटा, अच्छे बेटे का अच्छा बाप, होता नहीं हो रही है कौन समझ में आयो। शासक अच्छा बाप है ये, अच्छे बाप की अच्छा बेटा बिंदुसार, अच्छे बाप का बेटा, अच्छा बेटा नहीं अच्छे बाप का बेटा और अच्छे बेटे का बाप बिंदुसार, बाकी दूड़ गए दाना को नहीं है हुआ। वो अच्छो है वो अच्छो है वो बीच में ही तीन ही तो नाम है। अब तीन ही नहीं याद रहे फिर के चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का संस्थापक, बीच में बिंदुसार आओगो और फिर आ जाओगे अशोक। बस अब हम शुरू करते हैं मौर्य वंश। देखो 322 से लगभग 184-185 ईसा पूर्व, यानी हम कहाँ है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व उल्टा चलेगा। ओ बेरो है एक समझाने की जरूरत है को नहीं है, मेरे हिसाब नहीं होनी चाहिए। ईसा पूर्व उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा 322 माइनस 185 कर दिया 184 कर दिया थारी मर्जी ईसा पूर्व, क्योंकि वो टाइम भी था याद करना पड़ेगा। कौन सा राजवंश पढ़ेंगे मौर्य, ठीक। कोई भी राजवंश आप थे खुद सोचो यार कितनों पुराना राजवंश है, इतनों डिटेल गठू निकाल के लिया। अपने राजस्थान में तो है ही कौन, हमारे राजस्थान में कोई राजवंश नहीं है। हमारे राजस्थान में राजवंश की शुरुआत होगी चौहानों की 551 से, या फिर उनसे समकालीन थोड़ा सा गुर्जर प्रतियार मान लो। गुहिलों की शुरुआत कब से होगी 565-566, तो फिर ईसा पूर्व में आपने तो कोई है ही कौन राजवंश, आपने तो ईसा पूर्व ही कोई सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा पड़ा बाकी है ही कौन। तो ये राजवंश बहुत प्राचीन राजवंश है, बहुत पुराना। इतने पुराने राजवंशों की जानकारी कहाँ से मिलती है, कई बार इस तरह का ऊटपटांग 100% पूछ ले। जानकारी को कोई ना कोई स्रोत तो वही वेगो कि गठून गठून तो आप काटांगा, पुराने टाइम का लगभग ग्रंथ बामणांगा लिखेड़ा है, तो की जानकारी तो आप बामणांगे ग्रंथों निकाल लेंगा। और बी टेम जैन और बौद्ध धर्म भी अच्छो चलेड़ो, कुछ जानकारी आप गठू निकाल लेंगा जैन व बौद्ध ग्रंथों से निकाल ली। कई आपने अठे विदेशी और घूमनाया जहाँ मिक्स न्यूज वगैरह को नहीं आएगे, जिसने इंडिका लिखी थी जस्टिन प्लूटारक, कई विदेशी जगह राइटर हा दो दो बात आप बांगी भी काट के बेड़ी कर ली।
फिर अपन समस्या को नहीं कह बुद्ध को अशोक आयो नहीं वो इतोड़ंगो लिख के गयो शिला लेकर स्तंभ लेकर गुहा लेकर इतोड़ंगो लिखियो अण भाई बठू आपा काट लियो सारो को सारो डंगो। यानी अशोक ने जो स्तंभ लेख लिखे थे स्तंभ लेख तो समझो अरे आज की इतनी कॉपी पेन को निया मान लियो कोई दीवार है दीवार ने कर गेर छे इधर कोई बात लिख दी या फिर कुछ लिख के अरगठी नाक लगवा दियो भी वो भी तो तरी एक तो तरीको एक मान लियो कोई पहाड़ है बढ़िया समतल बोर्ड बनायो बिंगो काट गए और बिंगो पर कुछ लिख दियो एक तो वो तरीको है एक वह का लिख लियो ठे अरे बोले अब लगानो गुट है बोल चूरुआ रोड के ऊपर लगा दियो एक वो तरीको है। तो अशोक ने दोनों ही तरीके अपनाए हैं। अशोक ने जो भी शिलालेख वगैरह बहुत शिलालेख लिखे स्तंभ लेख गुहा लेख बहुत है 1750 1750 गया गे टी फेंथलर ये पहला आदमी था जिसने अशोक का शिलालेख खोजा था 1750 टी फेंथलर इसने खोजा था दिल्ली मेरठ अभिलेख को लेकिन बिचारो पढ़ कौन पायो पढ़ने का जो काम किया था वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को इसने पहली बार पढ़ा और अशोक के जो शिलालेख लिखे गए थे अशोक को जिक्र आप बाद में और करांगा जो शिलालेख लिखे गए वो ग्रीक आर्माइक ब्रह्मी इन लिपियों में थे। अगर आपको ऑप्शन दे दे कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे तीनों ऑप्शन दे दे तो पतंजलि की महाभाष से हम ना अचैलो रह गए करूंगा बात पतंजलि महाभाष से करा तीनों ऑप्शन दे दे अशोक के शिलालेख किस लिपि में ब्रह्मी ग्रीक आर्माइक इसके ज्यादातर जो मिले हैं वो हमें ब्रह्मी लिपि में मिले हैं तो तीनों अगर अलग अलग दे दें तो अपने के ठोके आइयो ब्रह्मी ब्राह्मण ग्रंथ देखो कौन सा है सिर्फ समझने के लिए आप फिर मौर्य साम्राज्य में चलांगे सीधा फेमस ब्राह्मण कौन है राजनीति चाणक्य शाबाश के लिखी है इंटे में है जीडीपी के बारे में लिखे डे कई बार प्रश्न पूछ ले चाणक्य के अर्थशास्त्र में विषय वस्तु क्या है तो कोई नई पढ़े वो सोचा जाने इकोनॉमिक्स पर लिखी होगी जीडीपी क्या डाउन होगी क्या जीडीपी चढ़ेगी यार बी टेम कौन इकोनॉमिक्स ही लिखा हो चाणक्य की पुस्तक तो ऐसा माना जाता है कि आज के लोगों को भी आज भी अगर कोई राजनीति में जाना चाहता है तो उस बंदे को भी ये किताब पढ़नी चाहिए अर्थशास्त्र इसमें राजा की बातें राजा कैसा होना चाहिए राजा को किस पे विश्वास करना चाहिए महिला अंगरक्षक रखना चाहिए कि नहीं इस तरीके की कई बात आएंगे राजनीति की बात आएंगे अंदर ठीक है। पतंजलि की महाभाष से यूं भी आप दो चार बातें काट के लिए कई जैन और बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं उस समय उनसे एक एक दो दो बातें पकड़ी और विदेशी जगह आप आगे पढ़ांगा इंडिका वगैरह। अब अपन सीधा का सीधा राजवंश शुरू कर देते हैं मौर्य राजवंश और कहां से शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से चलो वो है भारत आज को भारत है मगोनी सुन वापर रही है वापरेगी अभी के वापरी अभी तो अशोक गांव है दगड़ और आने दियो कई मन पाट जाए वो यार तैयारी करा कौन करा कंपटीशन थे देख ही लियो सीटी के अंदर 3000 पोस्ट आई है देख लियो कितना फॉर्म भरी जाएगा जू जू लेवल ऊंचो जाते जागो नहीं उतना ही कंपटीशन कम होता जाएगा जैसे राजस्थान पुलिस में कितने फॉर्म भरे जाएंगे 17 लाख सबसे नीचे कैटेगरी आई तो है नीचे नीचे राजस्थान पुलिस फिर ऊपर आओ थोड़ा एस आई 2.5 से 3 लाख फॉर्म भरे जाते मात्र 2.5 से 3 लाख फिर ऊपर आओ आर एस के अंदर प्री पास होने के बाद मात्र 30 या 40 हजार बचते। अब आओ एसएस सेकंड ग्रेड जो एसएस का सिलेबस है ना सेकंड ग्रेड का एसएस का आरएस से बड़ा सिलेबस है सत्य बात है ये एसएस का सिलेबस आरएस से बड़ा है और अंग अंदर पोस्टा है लगभग 700 या 800 इतनी पोस्ट नहीं हुआ है और सीईटी को ही कोई छोटो तो को नहीं है सिलेबस मतलब पढ़ना तो सो क्यों पड़ेगो रट्टा मारनो पड़ेगो रट्टो कद्दी मार लियो आज मार लियो और रट्टा मारनो आना सोचिए आप पागल हो जाऊंगा कोई को नहीं वास्ते कोई होयोगे पागल सुने कोई
पागल हो जाओ तो गोवा घुमा लेऊंगा, मैं घुमा लेऊंगा, ये तो माइंड फ्रेश हो जाएगो। थे तो पागल हो जो सुनियोगे आज तक पढ़ने पागल हो गयो, कोई सुनियोगे सिर्फ बोलने मावे। दुनिया की जितनी किताबें हैं ना लाइब्रेरी में, वो सारी अगर एक जगह इकट्ठी कर लें सारी किताबों को, तो हमारा दिमाग उतना याद कर सकता है। तो थाने कितनी की याद करनी, थाने चार किताब याद करनी जी थार गरे पड़ी है। लाइब्रेरी का तो जानो ही कोनी, इन्हें देख ले वो आप ही कर ले, इन माँ किसी ब्लू फिल्म चाले गेम तो जब तक इन्हें देखने लाग रहे चला दे रहे खातर की, तो गांव की चीज आए आप फिल्म देख ले बैठ घरे ही देख ली, कौन सो गांव है चल देख अभी ना वो भारत है, बिन्ने ध्यान देने लाग रही है। ये है कौन सी जगह ही जो महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, मगध। मगध जहां महाजनपद यानी मगध उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य था। जैसे वर्तमान भारत है तो भारत में सबसे मजबूत हम दिल्ली को मानेंगे क्योंकि सारी चीजें दिल्ली के अंदर है, सबसे मजबूत भारत का आज पार्ट जो है वो दिल्ली है। मगध का जो शासक था उस समय वो भी बड़ा शक्तिशाली था, घनानंद। शासक शक्तिशाली क्यों बोला जाएगा भी, अमेरिका को राष्ट्रपति बुलाएं बीमारी क्यों ना हो, लेकिन वो दुनिया को सऊ ताकतवर आदमी मान लीजिएगा। तो मगध पे जो राज करेगा वो भारत का सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। ये नंद वंश का अंतिम शासक यहाँ शासन करता था जिसका नाम था घनानंद। ठीक है कोई बात नहीं, इधर थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। इधर एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम था तक्षशिला, उस समय बड़ी यूनिवर्सिटी है ये और विदेशों से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे यहाँ। फेमस जगह थी भारत, बड़ा फेमस था, नालंदा है तक्षशिला है, वो ऐसी जगह थी भारत में जहाँ विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। तक्षशिला में पढ़ाई वगैरह चालिया करती और तक्षशिला में एक गुरुजी रहा करता जगह को नाम हो चाणक्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है चाणक्य को, कौटिल्य भी कहा जाता है, कुटिल बुद्धि का, कुटिल बुद्धि समझो चालू बुद्धि, कुटिल बुद्धि की वजह से इसका नाम कौटिल्य भी है। चाणक्य की बात आप बाद में देखा, गुरुजी है और मास्टर जी ने थोड़ी देश की चिंता होगी, चिंता यहाँ हुई कि मास्टर जी ने सूचना मिली कि भारत के ऊपर इस साइड के ऊपर आक्रमण होगा किसका, सिकंदर का, मकदूनिया का है सिकंदर, सिकंदर। तो मास्टर जी ने चिंता हुई कि यार देश पर अटैक हुए गो सिकंदर को, तो कोई प्रयास आपान भी करना चाहिए रोका। तो हो सके मास्टर जी मीटिंग बुलाई होगी कि भाई सिकंदर को आक्रमण हुए गो, तो भाई मास्टर बोले यार आक्रमण हुए गो तो आप महाराज आपा के करना तो थे बताओ, अपने कहीं के ऑप्शन है थे दो आप मास्टर आदमी बोल, फिर भी यार अपन प्रयास करना चाहिए कुछ, बोल भी थारू की वह तो कर लियो बाकी मन लागे को नहीं आप कुछ कर पाऊंगा, बोलो ठीक है भी थे नहीं करो तो मैं मेरी तरफ प्रयास करूंगा। तो सिकंदर का आक्रमण हो तो रोकने वाला बंदा भारत छोटे छोटे क्षेत्र बंटेड, लेकिन रोकने वाला बंदा घनानंद वो रोक सके क्योंकि ये सबसे मजबूत है, अगर वो थोड़ी बहुत हिम्मत करे तो हो सकता है उसके आक्रमण को रोका जा सकता है। आवाज सही आ रही मन है क्या लागे कि क्या आ रही है, तो कमरों बड्डो है थे कमो अदोगे नहीं तो आवाज सही आई करे, कल मत बिठाना जिया तिया ठोस के भी में बिठा दो है, अब आप बिठाना रन के विरोध आ समस्या हो घनानंद कन चालांगे। मास्टर जी बठू रवाना होया और घनानंद के दरबार में पूछया, मरती घनानंद के दरबार में पूछया, ओ छलिए टाइप को आदमी, ज्यादा राजकारी इन मतलब को नहीं हो और डांस बार्ज की के बोले चीयर्स गर्ल बे राख्या करतो दरबार में, बांगो नृत्य देखा करतो, उसके छांटियों मार्गी भी देखा कर दो। तो मास्टर जी बारा आया दे कहो भी मन को तकसीला हुए गुरजी आए डाए बिन बेरो को नहीं गुरजियान समझे कि छांटियों मार रहा कि गुरजी गुरजी दिखे से क्या मैं ध्यान दे वो डांस साध रही हो, कई देर हो गयो चाणक्य देखियो कभी आया हाँ पाछो भी जानो है अंधेरों ओण लाग रही है दूरी भी तो बहुत ज्यादा होगी, उर तक निमंत्रण आयो को नहीं घोर अपमान हो रहे हो तुम तो बताओ चाणक्य
और दरबार में बिना अनुमति और दरबार के अंदर घुस के और बी टेम बटे गाणो चा दे ऊ अंटा साला बोलेगा तो अंटा बोले कौन सो है ऊ बोलेगा साला सुन सकला और आखियो माई गला ना अब विदन सो पड़ गयो गनानंद बोले किन्ने बाजार लाग रहे हो आपा कौन बोल मैं तकसी लागा अध्यापक चाणक्य बोलो बोल बोलो दे यार ए कोई काम थोड़ी है बोल मार तो यही काम है भैया अपना तो यही चाल रहे कई दिन चाल रहे चौकी मौज हो रही है बोले यार आ तो ठीक है लेकिन भारत के ऊपर सिकंदर को आक्रमण हुए गो बोले हो जाएगा तो मेरे क्या फर्क पड़ा हो जाओ बोले सिकंदर मैं तो बड़ो बाद में हूँ पहली पंजाब जीते गो राव को मैं तो बहुत बाद में हूँ हो जाएगा तो चाणक्य बोले यार तन राजकरणों ही को नहीं बोले अच्छा तू सिखाओगे मन राजनीति बात भी सहनी है राजनीति अब तू सिखाओगे मन मैं मगध को राजा हूँ घनानंद तो बीच में कोई तू तड़ाका होगी और अण बताओ कोई थोड़ा सो धक्को दे दियो चाणक्य बूढ़ो आदमी हो थोड़ा दूर जागे पड़े हो चोटी चाटी वह खुलगी बड़ सोगन खा ली बोल जब तक मैं तेरे वंश का खत्म नहीं कर दूंगा तब तक ये चोटी वापस नहीं बांधूंगा सीखा चकन बोले चोटी खुली तो चाणक्य की आप जब भी फोटो देखोगे ना तो कैसे आएगी खुली चोटी क्या होगी चाणक्य की कभी फोटो देख लिया आपने अब चाणक्य उठू रीस मागे चाल पड़े थोड़ा सा आगे आए एक जगह है पाटलिपुत्र यही वर्तमान में पटना शाबाश पाटलिपुत्र में कोई शिकारी टाइप कोई आदमी कोई दस एक दस बारह कोई टाबरान गिरफ्तार कर रखा बेचारा कई दिनों रोटड़ी और कौन देड़ी वन भूखा और आवे तो बंग मा एक टाबर जको बांगी लीडरशिप कर रहे हो और बिंगसा के कह रहे हो कि यार मर जाएगा इनकी खान ने दे दे चाणक्य कोई दूर खड़े और ये देखने लग गए वो सीन और सीन देखियो बिया टाबरी की जो लीडरशिप बन देखी टाबर कौन है चंद्रगुप्त अर गुरजी भी छाण गया कि जे इन डंगू पर डाइडो वे तो पहले झटके ही आर एस इंटरव्यू तक पूग सके बंदे में टैलेंट है तो बन आगे चाणक्य आगे बिन कहो कह रहे और टाबरियो बेचेगी बोल बेचेगी कौन बेच दूंगा दाम बता 1000 रुपया लूंगा पूरा 1000 का सार्पण चांदी की मुद्रा चालती भी टेम हाँ का सार्पण 1000 का सार्पण में राजकिलम 1000 का सार्पण में बिटाबरियन खरीद लियो और खरीद के सीधो यूनिवर्सिटी में करवा दियो एडमिशन कौन सी में चाणक्य ने इसको स्पेशल पढ़ाया लगभग 8 साल तक पढ़ाया इसको थोड़ो ट्रेंड करियो इन युद्ध कला सिखाई सारी कला सिखाई इसी युद्ध कला क्योंकि वो क्षेत्र उपद्रवकारी क्षेत्र है हमेशा ही रेड है आज भी बताओ भारत के चारों मेर शांति है इन्ने है ना तो इन्ने पहली शांति ना आज शांति है क्योंकि जो क्षेत्र अशांत रहेगा नहीं वो हमेशा ही अशांत रहेगा वो जब तारानगर मारे जट पानी भरे बट हमेशा ही भरेगा बोला कोई MLA अजीओ चाहिए कोई MPH वो भरे ही गोबट है वो 50 साल पहले भी भरतो अब भी भरे और 50 साल बाद में भी भरेगो तो ये चीजा फिक्स है वेगी जी बचपन में जो काको थार सा करतो नहीं गोचो आज भी वो ही करे अर मर जागो वो लेकिन लास्ट तक गोचो रखेगो वो असभाव आदमी को छुटे वो क्षेत्र हमेशा इसी ही रेड है अब भी रेड है आगे ही यही रहेंगे कभी सुधार को नहीं होना क्षेत्र उपद्रवकारी रेड है बी टेम ही बतावे जब इन शिक्षा चाल रही तो एक दो जगह इन भेजियो भी कि थोड़ा ज्ञान ले गया इन भी ने एक बार तो आप बतावे कि चंद्रगुप्त जो को है सिकंदर तक के दरबार में पहुंच गयो और बैठे कोई सिकंदर के सामने कोई झड़प होगी बोला वाली होगी और बोला वाली सिकंदर बोले पकड़ो इन चंद्रगुप्त बाजी आयो गुरुजी दी शाबाशी 2-3 बार तो थापी मारी ताली बजाई बोले यार तेरे में गुण तो सगड़ा आ गया अब क्योंकि राजा के अंदर हिम्मत तो शेर जिसी होनी चाहिए लेकिन बाजनारी कला भी लोमड़ी यार जिसी होनी चाहिए कला तो तेर में सारी है एक बार बताते हैं ऐसा कि चंद्रगुप्त जो है वो उस साइड के अंदर घूमने के लिए गया हुआ था कौन सी जगह सीरिया सिकंदर ने आक्रमण करने के बाद में ये क्षेत्र जो है वो सौंप दिया था सेल्यूकस नाम सुने डगे यानी अरे तो कोई ने तो सौंपो जी आप कौन पढ़ाएंगे का अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग इसको सौंप दिया आप थोड़ी बैठे रहेगो तो आपको आदमी छोड़ देगो वो जी तो टैक्स बनेगो वो राजा कन भेज देगो
तो जब भारत पे आक्रमण किया सिकंदर ने, तो इसने क्या किया, ये जो सीरिया क्षेत्र, ये क्षेत्र है वो सौंप दिया था सेल्यूकस, जिसे सेल्यूकस निकेटर भी कहा जाता है। तो भी शिक्षा के तहत एक बार चंद्रगुप्त सेल्यूकस के गए, और सेल्यूकस के एक छोरी जकी को नाम हेलेना, तो बताते हैं कि हेलेना को इससे बचपन से ही प्रेम था। कहानियां देखो, कहानियां गठी को मिलांगा प्रमाण, बचपन प्रेम और बेटे मन पूछो भी कभी नंबर ने दे तो इंस्टा आईडी दे दे, क्योंकि इंस्टा तो चलाती होगी दे। आ बोली बेबी इंस्टा आईडी को नहीं, मैं जा रही हूँ बेबीलोन। आ बिन्न चली गई, चलो कोई बात नहीं छोड़ो नहीं, लेकिन थोड़ा नाम ध्यान में रखियो, कौन है हेलेना। तैयार कर लियो चंद्रगुप्त में, बढ़िया बंदो तैयार हो गए, बॉडी शोडी बना ली है, सिक्स पैक भी बन गया है बढ़िया। अब अटैक करा क्यंग ऊपर, अरे क्या खातर तैयार करे इन्हें, रोटी खुआने थोड़ी करे, गणानंद खातर तैयार करे। तो गणानंद पर अटैक करा, तो बताते हैं जब पहला अटैक किया गणानंद के ऊपर, तो बड़ा सिद्धो को सिद्धो अटैक कर दियो अठे, अर गणानंद मांझिया आंदोलन ए वापस बाजिया। तो उधर वाली साइड में एक दिन कोई चंद्रगुप्त और चाणक्य किसी कोई लुगाई के घरे कोई रुकेड़ा, और बन खाणो पीणो खुआई, और बिन टाबर ने बन के करो लुगाई कोई खिचड़ी खुआई, और बन टिंगर बड़े के करो खिचड़ी मारियो हाथ, मारते हाथ बाल लियो, तो बन दुगावड़ी बिन दो चार तो दौड़ गई मारी। फिर बोली के चाणक्य इतरिया बावड़ो ही है, चाणक्य सारे, चाणक्य सोचे यार आपा विद्वान आदमी मानी जा, अर बड़ी अपनी तुलना देखो ते क्या मजा करिए। बा बोली माता चाणक्य की इतरिया बावड़ो किया कहो, बोले और किए तो खिचड़ी के बीच में हाथ थोड़ी मारे करे, साइडों खाओ नहीं, साइडों खा के बीच तक पहुंची जाए। तो फिर बोले चाणक्य गुरु खिचड़ी के मेड़, बोले चाणक्य बावड़ो ही है, गणानंद पर सीधो अटैक करियो मार खा गया आगे पाछो, जबकि कायदो अपनो को पंजाब को जीतते में फिर अटैक करता। ओए बेबी सीधा अटैक नहीं किया जाए, जैसे बॉर्डर फिल्म कौन देखी गए, खाना जैसलमेर में खाएंगे नाश्ता दिल्ली करेंगे, बोले सीधो दिल्ली नाश्ता कौन करिए नहीं, पहली साइड वाला क्षेत्र जीतते हुए हमें राजधानी के तक पहुंचना है। तो इधर हिमालय का एक शासक था प्रवर्तक, कहते हैं कि इसने भी मदद की थी गणानंद के विरुद्ध चंद्रगुप्त की, अटैक किया 322। गणानंद का क्या हुआ कोई विशेष उल्लेख नहीं आता, ना युद्ध का उल्लेख आता है, कौन सा युद्ध हुआ क्या हुआ, हो सकता है इसको षड्यंत्र से भी मार दिया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, प्राचीन टाइम में षड्यंत्र भी चाल करता, आज भी चाल है। अब तो वो कौन की एक वो कौन है, वो एक है नहीं वो ताना सा किम चो इंग मारण खातर, और दूसरे देश सारा सह फॉर्मूला अपना लिया, मतलब इसे तक है कोट है, कोट में जीवाणु दे के भेज दिया, गिफ्ट में कोट अगर पैर लेगो तो खत्म हो जाओ भाई जीवाणु लागे, बहुत फॉर्मूला अपना लेते हो, उसके बीटेम भी अपनाया गया होगा ऐसा फॉर्मूला। जो भी हुआ वहां यही माना गया कि लड़ाई के अंदर हुआ, और इसमें ये घनानंद मारा गया और भारत की राजगद्दी पर बैठ गया कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये लो जी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का मुक्तिदाता, ऐतिहासिक सम्राट, और कुछ यूनानी लेखों ने इसे एंड्रोकस और सेंड्रोकस भी कहे, बड़ा नाम क्या हुआ याद होगा एंड्रो क्या हुआ याद हो एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस करो याद, मेरे तो कोई जल्दी को नहीं याद करो, एंड्रोकोस सेंड्रोकोटस सबसे पहले सिंध फिर पंजाब को जीता, हाँ राहुल पहले सिंध फिर पंजाब, सिंध का शासक था फिलिप सेकंड, बहुत ज्ञानी है रे, ज्ञान भरियो पड़े टापरागन, कोई जरूरत को नहीं मैं ये कौन बताए, सिंध का शासक उस समय फिलिप सेकंड था, फिर पंजाब को जीतते हुए दोबारा इसको जीता है 322। एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस उंटा ऊ बोले यूं दोरो कोई गानों को नहीं है, वो भी याद कर रखिए, ए कर लियो क्वारंटाइन जो को शब्द आयो नहीं पहली बार जदिया लागो के क्यों याद हुए को, फिर एक दुआई तीन चार शब्द आया कोरोना के टाइम क्वारंटाइन, एक और यार कौन सो ईशो सो यो आइसोलेशन दो सो एक और एक कोई दुआई को नाम हो रही छी कोई कोविड 19 सोरा नाम है, अब आइसोलेशन और नाम की तो दो रो है, तो बार बार ए कोई रट्टिया थोड़ी आते क्वारंटाइन शब्द रट्टियो थोड़ी हो, बार बार सुनियो सुनियो जदि याद हो, कई बार सुनेड़ी चीज लगभग जो स्टूडेंट होते हैं जो अच्छी तैयारी करते हैं बे के करेगा वो मैटर सारो
तैयार करके रट के रिकॉर्डिंग कर लेगा, वो रिकॉर्डिंग करके फिर सुनती रहा, रिकॉर्डिंग करके आप सिर्फ सुनते रहो, उसको दिमाग मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, सिर्फ कान में लगा के प्रैक्टिकल कर लेना भले आप, इसका रिकॉर्डिंग करना, पूरी रिकॉर्डिंग 2 मिनट की रहेगी, चंद्रगुप्त मौर्य की थे, जल्दी जल्दी बोलिए करोगा नहीं, रिकॉर्डिंग करके कान में लगा के सिर्फ सुन लियो, थारो काम करो जो करता रहियो भलाई, अगर सब्जी बना रहे हो तो बनाता रहो, बस कान में लगा लियो और उसको आप 1 घंटे सुन कान में लगाए रखियो, थानिया याद हो लागो की याद को नहीं हो, उसके बाद में किताब पढ़ना आपको सारी चीज़ें याद मिलेगी। तो सुनेड़ी गाना और के वे तो गाना आप कोई रट्टा थोड़िया भी, गाना आप बार बार सुनिया, कहीं तो हनुमान चालीसा ही याद है, अब इतना लंबो हनुमान चालीसा बार रट्टी थोड़ी, लेकिन क्यों याद है, बार बार हनुमान चालीसा सुनी तो सुनेड़ी चीज़ भी याद रहे, कहीं बोल बोल के पढ़े, बोल लोगा तो सुनेगो, सुनेगो याद होगो, तो अपन तो याद करना मतलब है नहीं, एंड्रोकोटस सेंड्रो पंजाब का यूडेमस, यस पंजाब का यूडेमस था, बोलो कितना होशियार टाबर है, कितना होशियार टाबर है। चलो भारत की राजगद्दी पे, मगध की राजगद्दी पे पाटली जादो पूछे करना, इतनी इज्जत ना दे करो, जरूरत को नहीं, सीधा निकले देखा बढ़िया तेरे बगा मास्टर यहाँ कह गए सीधी निकल जाए कर तू। चलो अब जो चाणक्य चंद्रगुप्त राजा बना है किसकी सहायता से, प्रधानमंत्री बना दिया हाँ, अमित शाह है वो तो हाँ, वही है मैं तो इंग कहना है परिचालक, और बुद्धिजीवी भी है, विद्वान आदमी है, अगर राजा को अच्छी शासक मिल जाए ना सहयोग वाले तो राजा बहुत प्रगति कर लेगा। भी अकबर तो अनपढ़ था, लेकिन भाई साहब ने नवरतन तक थे दरबार में, पढ़े लिखे आदमी हैं दरबार में, इस वजह से उसका शासन देखो कितना अच्छा शासन किया अकबर ने, जबकि पढ़े लिखे हो तो वो मोहम्मद बिन तुगलक गणोई हो, और उसे पागल सुल्तान बोलते, पढ़े लिखे हो तो वो हुमायूं गणोई हो, लेकिन सब घटिया स्तर को शासन रेडियो भी 5-6 मुगलों के अंदर शुरुआत आ रंग अंदर, तो अच्छा अगर सहयोगी मिल जाए तो शासन अच्छा किया जा सकता है। अब हुआ क्या, सीरिया का शासक कौन है, सेल्यूकस निकेटर, ये किसका राजदूत किसका था एम्प्लॉई, सामंती था एक प्रकार से, हम सामंत कह देते हैं, सिकंदर का था। अब जब भारत इसको जीत लिया तो इसे लगा कि भारत पे अपना ही हक जता रहा है, मुगल भारत पे हक क्यों जताते थे, क्योंकि तैमूर यहाँ आया था कभी और तैमूर ने भारत को जीता था, तो ये जो मुगल थे बाद वाले बाबर वो भी सोचता था कि भारत पे मेरा ही हक है, हमारे पूर्वजों ने इसे कभी जीता है, इस आपा कौन कहेंगे अपनों क्षेत्र पहले रावलपिंडी तक हो, क्यों बोल बप्पा रावल जीते हो तो हम उसे अपना अधिकार मानते हैं कि मारा पूर्वज इन जीते हो, तो ये अधिकार मानता था भारत के ऊपर। इसने 305 ईस्वी में सिंधु नदी को पार किया, 305 ईसा पूर्व। इधर से बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और इनके मध्य युद्ध हुआ, युद्ध कौन सा हुआ क्या हुआ कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा बताते हैं कि यह बंदा हार गया था, कौन, अब हारने वाले के साथ तो वही व्यवहार होगा जो एक जीता हुआ राजा करेगा हारन, तो कुछ अंग बीच में संधि हुई 303 में, ये भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है, संधि में के तय हो बोले, एक तो बाबे बिगड़ है कौन है लेना ब्यावड़ो कर, ठीक है सा कर देंगे त्यार, आप विदेश की बिनड़ी भी ले आया, भारत में आना रही पहली विदेश की बिनड़ी, सग के देगा देज में, कायदो तो बने देज में, हेलेना के सागे देज में के लिया, इन छोटी बहन तो हाँ के को अरे के लेना है, के चाहिए छोटकी बहन लिया बुटो हाँ से के, काबुल कांधार हेरात और बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत इसको दहेज में मिल गए, ठीक है बढ़िया, और बोलो के दोगा, बोलो और फिर एक राजदूत ले जाओ, कुड़े भाई राजदूत मेगस्तनीज बहुत फेमस है भाई, और पुस्तक इंडिका, तो हमें इंडिका से भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें मिलेगी, वो एक आप लिए मेगस्तनीज राजदूत, ठीक है। अब बोले यार इतो जद होए
थे भी तो की दियो महाराज माने। बोले भी मारे तो भारत में की है लिजियाना रो थे बताओ, एक दो तो मारे बड़ा बड़ा महाराज है बन लीजिए वे दे दिया थे बताओ के दिया भारत तू आपा के दिया 500 हाथी। बोले रंग के करूर में थी बात दा एक हाथी पालनों की तो दो रोते हो सोचो भाई हाथी तो जद बिंगी ली दी एक गड्ढ हो तो खा की तो गए आ सोचो। बोले यार इतना हत्या हूँ मैं क्या करूँगा। बोले बोला मैं जीता ही आगे दमपरा है ही सो क्यों आती आती आगे दमपरी मैं जीता। बोले तो फिर दे दो तो अपनी तरफों 500 हाथी गिफ्ट कर दिया कि नहीं चलियो कसने। ए संधि में चार चीजा है जो कि थाने ध्यान रखनी पड़ी। एक आपा बीननी लिया या हेलेना का दूसरा नाम है कार्नेलिया। शायद 12वीं 11वीं क्लास में गीत लगता है कार्नेलिया की गीत कभी आपने पढ़ा होगा। तो विदेश से आने वाले भारत में पहली बीननी है। हेलेना का जो विवाह हुआ था ये एक विदेशी है तो ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने उस समय कुछ शर्तें रखी थी विवाह से संबंधित कि देखो यहाँ ब्याह को निकलने दिया में शर्त आ है कि हेलेना के जो पुत्र होगा क्योंकि आ एक विदेश की बीननी है। मान लो कि सीरिया के शासक की और अन्य किसी देश से अनबन है ठीक है और हेलेना आ गई चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त शक्तिशाली है हो उसका पंप मार गए भी पर अटैक करा गिर आप देश को पक्ष कर दिया हो सकता है ऐसा कौन सी बड़ी बात है। जद बोली कभी भी हेलेना चंद्रगुप्त के पॉलिटिकल मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी कि वो किसके साथ लड़ाई कर रहा है किसके साथ संधि कर रहा है। पहली शर्त तो आए क्यों क्योंकि ये एक विदेशी महिला है। नंबर दो बात हेलेना के जो पुत्र होगा जस्टिन जस्टिन नाम कोई टबरी होंगे हेलेना के जो पुत्र होगा वो कभी भारत की राजगद्दी पे नहीं बैठेगा क्यों वो भी तो विदेशी है। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी दुर्दरा और इसी दुर्दरा की संतान थी बिंदुसार। पल्ले पड़ी ये बात। तीन पत्नियां बताई जाती है इसकी दो एर एक और है जिसका कोई ज्यादा जिक्र नहीं आता। समझ में आई के समझ में आई भारत की राजगद्दी पर नयो शासक बन गए डंगो शासक बन गए चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने आपको बना लिया ना प्रधानमंत्री फिर एक ही लड़ाई है बिंगवा चार संधि की शर्ताएं बहुत ही जी है चंद्रगुप्त मौर्य। अब बताते चंद्रगुप्त का एक गवर्नर था पुष्य गुप्त जो पुष्य गुप्त जो गुजरात के अंदर था इसने गुजरात में एक झील बनवाई थी सौराष्ट्र सौराष्ट्र के अंदर झील बनवाई है इसने थोड़ा सो ध्यान रख लिया इसी की बनवाई हुई किसकी चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर था कौन पुष्य गुप्त इसके द्वारा सौराष्ट्र में एक झील बनवाई थी ठीक है। अब देखो कि बतावे काल पड़े मगध के अंदर कंटिन्यू बतावे 12 साल तक अकाल पड़ा चंद्रगुप्त भी टेंशन में आ गयो केकरा 12 साल काल पड़े तो इसका एक गुरु था कौन भद्रबाहु। भद्र साल तो गणानंद का सेनापति था जिसको हराया था। ये भद्रबाहु नाम का एक जैन धर्म को मानने वाला इनका गुरु था। ये तो राजनीति गुरु है ये धार्मिक गुरु है दोनों अलग अलग वेगा भी थारा पंडित जी जगह उसके था नाम जद भी कोई चल रहा है या नाम प्रकरण कराओ था एक फिक्स पंडित जी वगैरह बांध लिया हुआ आपने यही तो है एक ही तरह का ओ एक तरीके गुरु है वो कौन सो धर्म गुरु कैसे कहा पान कौन भद्रबाहु। भद्रबाहु से दीक्षा लेके चंद्रगुप्त मौर्य बन गया था जैन यानी जैन धर्म को इसने क्या कर लिया था स्वीकार कर लिया था। जैन धर्म स्वीकार करके बोले यार काल पड़न लाग रही है मेरे दुख देखी जाए को नहीं मैं राजकार्य तो सौंप दू मेरे टाबरियन बिंदुसार बिंदुसार को जन्म बाद में करांगा पा बिंदुसार को सौंप दिया और स्वयं चले गए थे मैसूर में स्वर्ण बेल गोला सरवण बेल गोला याद करो नाम कर्नाटक में पड़े हैं बोलो दोरो नाम है कितो दोरो है स्वर्ण बेल गोला गढ़पड़े मैसूर कर्नाटक
जैन धर्म के अंदर एक नियम होता है जिसे कहा जाता है सलेखना, संथारा, कभी नाम सुना हो तो। देखो आदमी कभी जीणो दापे तो हाथ को नहीं, भी सबसे सात्विक सबसे अलग प्रकार का धर्म है जैन धर्म, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, अहिंसा तो किसी रूप में पसंद नहीं करते, यानी इनको तो हर चीज का ध्यान बताया जाता है कि झाड़ू काटो तो भी इसी तरीकों काटो कि कोई जीव नहीं मर जाए, पानी भी पियो तो भी पानी के अंदर भी तो जीव है लेकिन जीने के लिए जरूरी है ये चीजें, हवागम के द्वारा भी आपने जीव मुंह में नहीं चले जाओ, इतना तक ध्यान रखते हैं ये लोग। आपने देखा होगा जैन धर्म वालों को धर्म यानी अहिंसा करनी नहीं है किसी भी स्थिति में, मतलब आप कई बार सोच लिया सड़न मार दूंगा अब ये संभव है, और ये भी नहीं सोचना है आप किसी के बारे में मन वचन कर्म तीनवा बुरो सोचना ही को नहीं अपन, तो आप देखो बड़े अलग प्रकार से अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं ये लोग। तो लास्ट में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, और एक आदमी के अंदर कदन कदे वैराग्य की भावना आ जाए, कई बार यहाँ हो जाए दुनियादारी उठे सो क्यों हासिल कर लो, फिर थारा यहाँ कभी इच्छा हो यार सो क्यों छोड़ छाड़ के चला जाओ कि नहीं दुनियादारी छोड़ दें, इन तरीके की इच्छा भी हुए। तो अभी एक पता नहीं मित्तल किसका था, टाटा का कोई चेयरमैन था जिसने जैन धर्म स्वीकार किया, और उसकी सालाना इनकम थी यार पता नहीं कितने अरबों में थी उसकी, और उसने छोड़ के जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। अभी न्यूज़ चली थी उसकी फेसबुक वगैरह पे कई जगह चली थी। तो लास्ट समय में भी जीना हूँ कभी दापोगा तो आपको ना थे दापोगा, आई सोचेगा कि लास्ट टाइम में एकदम डॉक्टर जवाब दे दिए तो ही कहे तो ही आका एक ट्राई कर लिया डॉक्टर साहब की बच्ची से हाँ जीने से आदमी कद्दी कोई कौन दापे तो अरे कद्दी तो छोड़ो ही शरीर ने इन छोड़ो का जदि कोई दूसरों शरीर बनेगो। तो जैन धर्म वाले अंतिम समय में शरीर को भी छोड़ देते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ेगा तो व्यक्ति की मृत्यु होगी 10 दिन 20 दिन 30 दिन जितने दिनों बाद भी। इस प्रथा को बोला जाता है संथारा, जो सिर्फ जैन धर्म में होता है, अपने यहाँ नहीं होता, बाकी किसी धर्म में ऐसा नहीं होता, तो इसे बोलते संथारा प्रथा। तो संथारा द्वारा और चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वर्ण बेलगोला के अंदर अपने शरीर का कर दिया था त्याग। चंद्रगिरी या पहाड़ी बताई जाती है, कोई मंदिर वगैरह भी बना हुआ है बताते हैं, वहां पर इसने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अब हम बात करा कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को, चलो जैन धर्म तो बाद में स्वीकार करे हैं, कोई तो कह पारसी हो, कोई कहो बोलो ना क्यों शूद्र हो, कोई कह ना क्षत्रिय हो, कोई कह बोल ना वर्षभ कुल हो, एचआर तो थानी याद करना ही करना पड़ेगा कि कुण के कह, चाहे तो आप ये कह दो कि मौर्यों की जाति क्या थी, मूरा से उत्पन्न हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यों की जाति क्या थी, चाहे कह दो चंद्रगुप्त मौर्य, बात तो घूम फिर गई कि आ गई भी आ गई तो टाबर चलेगा। स्पुनर नाम का एक इतिहासकार है, वो ये कहता है कि इसकी जाति क्या थी, पारसी। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा लिखा है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है विष्णु पुराण में कि नंद वंश के बाद में शूद्रों का शासन होगा, तब इन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं क्या था, शूद्र था। जैन और बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि ये क्षत्रिय था, और मुद्रा राक्षस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया कि ये वर्षभ कुल से था। ये चार चीज तो थानी याद रखनी पड़ेगी, कोनी याद रहे रटो मार लियो नेरे तो रट लेना। कमेंट रुक क्या किया राहुल पिंगोलिया का, अब बताओ देखो दोरो काम है पढ़ो थे कदी आत को नहीं, कल बिल्ली क्लास में बिठाई और पढ़ो तो थे कदी आत को नहीं, तो मन ने दोष ना दियो रट्टा मारना पड़ेगा। मौर्य वंश कराए सिर्फ चंद्रगुप्ती चार बात है, वे चार बात मैं थाने बता दी थाने। जस्टिन ये कहता है कि एक कुछ हाके के बोल की गोनी चंद्रगुप्त मौर्य, एक डाकुआंगो गिरो कि आदमीड़ा सागे राख तो, और वो गिरे कोई किस्मती सी फटी का आनंद मार के अधिकार कर लिया, वो भी सके वजह की बड़ी बात है के की गोने एक डाकुओं का एक गिरोह था। इसके बाद कुछ कहते हैं इसके पास 6 लाख सेना थी पूरे भारत को, इसने रोन दिया था इसी कुछ बात अलग अलग जगह वह अपने लिखने बाचेगी। तो आज के करो का बताओ टाइम हो गया तो है तो कोनी मौसम ही खराब है कल ही लिखा फिर चलो कल ही लिखेंगे बंद कर दो बोलो।
हैं,